खबर नामा, खबर से असर था। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबर का। कोरोना वायरस की चौथी लहर पर काबू पाने के लिए राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगेगा। दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं और इमरजेंसी मूवमेंट की परमिशन होगी, लेकिन बाकी लोग तय वक्त के बीच नहीं निकल सकेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बार कह चुके हैं कि लॉकडाउन कोई हल नहीं है। ऐसे में नाइट कर्फ्यू के जरिए मूवमेंट पर थोड़ी रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। सोमवार को दिल्ली में कोरोना वायरस का पॉजिटिविटी रेट 5 से ज्यादा हो गया, जिसके बाद सरकार को तुरंत ऐसा कदम उठाना पड़ा। नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा बाकी का घूमना फिरना और सड़कों पर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। सरकार ने इसको लेकर पूरी लिस्ट जारी कर दी है। जिनको नाइट कर्फ्यू से छूट मिली है उनको कई श्रेणियों में बांटा गया है। अधिकारियों को आई कार्ड दिखाना होगा। वहीं ऐसी श्रेणी भी बनाई गई है जिनमें लोगों को ई पास लेने होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को काबू में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर टीके के लिए उम्र सीमा खत्म करने की मांग की है। केजरीवाल ने लिखा कि जितने ज्यादा लोगों को टीका लगेगा उतना ही कोरोना के फैलने की रफ्तार कम होगी। कोरोना की दोबारा जो लहर चली है पूरे देश में, कोरोना बढ़ता जा रहा है, दिल्ली भी इससे अलग नहीं है। और दिल्ली सरकार ने बहुत सोच समझ के नाइट कर्फ्यू लगाया, रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे, ताकि अननेसेसरी लोग भीड़ों में ना घूमें, बहुत भारी रेस्टोरेंट्स के अंदर जो रश हो जाता है वो ना हो, लोग घरों में रह के शुद्ध खाना खाएँ और कोरोना से बचाव रखें। ऐसी स्थिति के अंदर मैं समझता हूँ कि कोरोना से बचने के लिए लोगों को मास्क जरूर पहनना चाहिए, अपने हाथ बार बार धोने चाहिए। जो कोरोना का एक मन से वहम सा निकल गया था और लोगों ने बहुत ज़्यादा मिलना जुलना शुरू कर दिया था, उन सब बातों को दिमाग में रखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया। और मेरे समझ से इस फैसले से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, लोगों के अंदर कोरोना से बचने के लिए जो सावधानियाँ बरतनी है वो भी मानसिक रूप से लोगों के दिमाग के अंदर आएंगी और इसका लाभ रहेगा। आपने ये भी देखा गया है कि जो भी शाम और रात को शुरू होती है तो उस पर भी कंट्रोल लगेगा? ये कंट्रोल सब जगह लगेगा। इस लोग गोधुली के फेरे करते हैं आजकल, वो चले, क्योंकि 100 से ऊपर मेहमानों पे पाबंदी भी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर लोगों को जल्द से ज़्यादा कोरोना ना फैले, अपने जो समारोह हैं उस बात में भी इसका ध्यान में रखना पड़ेगा। सर, आपको लगता है कि लॉकडाउन अगर जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन भी लगाना पड़ेगा? अभी तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, मगर जरूरत पड़ी तो इस दिशा के अंदर बढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि जो नया वाइब्रेंट आया है ये थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल भी है, पहले से ज़्यादा टिपिकल भी है और केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ती हुई संख्या पे सरकारों की सजग नज़र होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है कि और हॉस्पिटलों के अंदर भी अब साधन बढ़ा रही है, बेड बढ़ा रही है, ताकि ऐसी कोई स्थिति आए तो उससे निपटा जा सके। मैं समझता हूँ कि कोरोना की जो दूसरी लहर नहीं कहनी चाहिए, कोरोना का दूसरा कहर कहना चाहिए। अब देश में जहाँ फैल रहा है वहाँ पर दिल्ली अब टॉप 3 स्टेट्स के अंदर आ गई है। महाराष्ट्र के बाद आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर लगभग 4000 केस रोज आ रहे हैं। तो केजरीवाल सरकार या आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार जो भी कदम उठाएगी मैं उनके साथ हूँ, पर ये जो नाइट कर्फ्यू है ये ऊंट के मीह में जीरे के समान है, जैसे कि सिर्फ ये दिखाना हो कि सरकार कुछ ना कुछ कर रही है। देखिए, आज आप देखिए कि पिछले दिनों के अंदर चिड़ियाघर खुल गया, पिछले दिनों के अंदर पार्टियां खूब हो रही हैं, कार्यक्रम खूब हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और मैं समझता हूँ चारों तरफ ढिलाई आ गई। और पिछले टीवी में मैं इंटरव्यू देख रहा था कि अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं हैं, जहाँ भी फ़ोन करो वो कहते हैं कि चाहे कंप्यूटर ये दिखा रहा है कि खाली हैं पर असल में वो ऑक्यूपाइड हैं। तो आज सबसे बड़ा क्या करना चाहिए दिल्ली सरकार को, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है, हर एक किलोमीटर के बाद जो बड़ा चौराया है उसके पे नीले तिरपाल से एक टेंट कैंप लगना चाहिए, जिस कैंप के अंदर व्यक्ति को सारी इन्फॉर्मेशन भी मिले, जिसमें मास्क भी मिले, सैनिटाइज़र भी मिले और जिसके अंदर टेस्ट भी हो और उसके साथ साथ जिसमें हिदायतें भी दी जाएँ जी। पर आप ऐसा दिल्ली में कोई तैयारी नहीं देखते हैं जी।
आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी के होर्डिंग तो सब जगह देखेंगे, पर वो कोरोना के होर्डिंग नहीं है, वो है महिलाओं के लिए हमने ये कर दिया, महिलाओं के लिए हमने वो कर दिया, दिल्ली सरकार स्कूलों को इसलिए कर रही है। आप टीवी में भी ऐड दीजिए, ये जो 500 करोड़ का बजट है, अगर वो इसको कोरोना के खिलाफ लगाएंगे तो मैं समझता हूँ वो काफ़ी कंट्रोल हो सकता है। इस समय के ऊपर जो पॉजिटिविटी रेशियो है वो 4.64% है, क्योंकि दिल्ली के अंदर टेस्टिंग बहुत कम हो रही है, टेस्टिंग मैक्सिमम 67,000 हो रही है, जिसको 1,00,000 तक कम से कम बढ़ाया जाना चाहिए, नहीं तो ये पॉजिटिविटी रेट बढ़ेगी। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, अब ऐसे में क्या कुछ सुविधाएं नाइट कर्फ्यू के दौरान खुली रहेंगी और लोगों के लिए क्या कुछ अहम यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कोरोना की जो लहर है वो बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है, और यहाँ तक कि कोरोना की जो रफ्तार है वो बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली के अंदर की, तो दिल्ली के अंदर भी 24 घंटे के अंदर 3500 से ज्यादा के आंकड़े आना कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें खड़े करता रहा, और दिल्ली सरकार ने इसलिए कदम भी उठाया है और एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसके अंदर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, क्योंकि यानी कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, और कहीं ना कहीं इसके अंदर जो छूट दी जाएगी वो चुनिंदा अधिकारियों को ही दी जाएगी, चाहे इसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हों या फिर कहें मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हों या फिर मीडिया के लोग हों, कुछ लोगों को छूट दी जाएगी, मगर वो भी आई कार्ड दिखाएंगे तो ही परमिशन मिलेगी उनको अंदर जाने के लिए। मगर कहीं ना कहीं रात में नॉर्मल इंसान यानी कि जो स्थानीय लोग होंगे उनके लिए छूट नहीं दी गई है, और उनको कहीं ना कहीं कोरोना से बचने के लिए उनको घरों में रहना होगा। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने एक प्रधानमंत्री से गुहार और लगाई है, जिसके द्वारा कहा गया है कि 45 साल की जो उम्र रखी गई है टीकाकरण के लिए उसको घटाया जाए, यानी कि टीकाकरण की जो प्रक्रिया है उसके अंदर इजाफा किया जाए, और दूसरा जो उम्र के अंदर जो निर्धारित की गई है यानी 45 साल जो निर्धारित की गई है उसको घटाकर और नीचे कर दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर लोगों को टीकाकरण की सुविधाएं जो मिल सके, और ज्यादा से ज्यादा जिन लोगों को टीकाकरण लगेगा तो कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी से और ज्यादा निजात मिलती हुई नजर आएगी। मगर जिस तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया उससे साफ जाहिर है दिल्ली सरकार को पहले ही अंदेशा था कि कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर स्थिति बिगड़ सकती है, और उसको मद्देनजर रखते हुए इस तरीके का कदम उठाया गया है। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली सरकार इस समय पूरी तरह से मुस्तैद है कि कोरोना को काबू में किया जा सके, लेकिन अब अहम जानकारी बीच में ये भी मिल रही है राजीव कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो 5% से ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे में अब सरकार के लिए मजबूरी हो गई थी कि अब कोई ना कोई सख्त कदम उठाया जाए। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूँगी राजीव, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जहां एक ओर किसानों से किए वादे पूरे किए, वहीं दूसरी ओर किसानों को उपज का सही मूल्य सीधे उनके बैंक खातों में जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष भी MSP पर गेहूं खरीदने की तैयारी कर ली है। गेहूं की बिक्री के लिए किसान भाई खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं। किसानों की सुविधा के लिए टोकन की व्यवस्था की गई है। गेहूं की खरीद भारत सरकार द्वारा तय मानकों पर की जाएगी। सभी किसान भाइयों के लिए विशेष निर्देश है कि वे अपने गेहूं को अच्छी तरह से साफ करके लाएं, गेहूं की अच्छे से मड़ाई व उसाई कराएं, व किसान पंखे से धूल मिट्टी को दूर करें, छलने की मदद से कंकड़ पत्थर अलग करके गेहूं बिक्री के लिए क्रय केंद्र पर लाएं। किसानों की खुशहाली के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सदैव प्रयासरत है। किसानों के साथ योगी सरकार। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ
ANB न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद खबरनामा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता लगातार लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी देने के लिए। राजीव, मेरा सवाल ये था कि अब दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा हो गई है, इसलिए अब सरकार की मजबूरी हो गई थी कि कोई सख्त कदम उठाया जाए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ बात करें पॉजिटिविटी की, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है। और दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं, पहले दिल्ली सरकार को लग रहा था कि जो स्थिति है वो कंट्रोल किए जा सकती है, मगर जिस तरीके से स्थिति दिल्ली की सरकार के हाथों से निकलती जा रही है, उससे साफ जाहिर है दिल्ली की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कोरोना की जो लहर है वो दोबारा से बढ़ती नजर आ रही है, मगर दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी दिल्ली सरकार को अंदेशा था, मगर जिस तरीके से स्पीड कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ती चली जा रही है और कहीं ना कहीं 24 घंटे के अंदर 3500 से ज्यादा के आंकड़े आना, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है। और उसी के मद्देनजर रखते हुए इतना बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि पहले भी होली से पहले भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने कदम उठाए थे और कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सख्त कदम उठाने के लिए अधिकारियों को ऑर्डर भी दिए गए थे, मगर कहीं ना कहीं होली के मद्देनजर रखते हुए अधिकारियों ने गाइडलाइन का फॉलो नहीं किया और कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर सख्ती नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से रफ्तार बढ़ी और कोरोना की। मगर अब जब जाके कहीं ना कहीं दोबारा से रफ्तार कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और उसके अंदर भी चुनिंदा लोगों को ही छूट दी जाएगी, मगर जिस तरीके से ये कदम अगर पहले उठाया जाता या फिर बाजारों के अंदर होली के मद्देनजर रखते हुए सख्ती की जाती, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं इतनी नहीं बिगड़ती और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को नाइट कर्फ्यू का ऐलान नहीं करना पड़ता। मगर जिस तरीके से होली पर लापरवाही की गई और कहीं ना कहीं जनता की तरफ से भी और अधिकारियों की तरफ से भी, तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ी है और उसको कंट्रोल करने के लिए अब दिल्ली सरकार के पास यही एक साधन था कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाए या फिर इसके जो समय सीमा है, यानी कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की, शायद उसको भी बढ़ाया जा सकता है। मगर अभी जो सीमा रखी गई है वो 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रखी है और ये लगभग कह सकता है 30 अप्रैल तक रहेगा, मगर अगर स्थिति नहीं कंट्रोल होती है तो कहीं ना कहीं इसको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल, इस तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि हो सकता है कि इस समय सीमा को और भी ज्यादा बढ़ा लिया जाए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। राजीव, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि समय रहते केजरीवाल सरकार ने स्थितियां नहीं संभाली, इसलिए अब ये नौबत आ रही है कि नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा के नेता जरूर दिल्ली सरकार के ऊपर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको मौका भी मिला, क्योंकि दिल्ली सरकार की थोड़ी बहुत नाकामियां जरूर रही है, क्योंकि अगर समय रहते दिल्ली सरकार कदम उठाती और कहीं ना कहीं होली के मद्देनजर रखते हुए सख्ती बरतती, तो कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर स्थिति की इतनी नहीं बिगड़ती और कहीं ना कहीं जनता भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती। मगर जिस तरीके से होली के मद्देनजर रखते हुए होली का जो फेस्टिवल था वो सार्वजनिक पर लोगों ने मनाया गया और एक दूसरे से संपर्क हुआ और संपर्क होने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो कोरोना की रफ्तार थी वो बढ़ गई, मगर दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से अब जाकर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को जरूर इसका मौका मिला है और वो कहीं ना कहीं राजनीति जरूर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को घेरने का मौका भी मिला है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार को घेरा जा रहा है, तो साफ जाहिर है दिल्ली सरकार ने थोड़ा सा लेट जरूर किया है मगर कदम जरूर उठाया है, मगर ये समय रहते हुए अगर पहले उठा लिया जाता तो कहीं ना कहीं जो कोरोना की रफ्तार थी वो इतनी नहीं बिगड़ती। जी बिल्कुल, समय रहते कदम उठाया जाता तो शायद स्थिति संभल जाती। आखिरी सवाल है राजीव, अभी फिलहाल अगर हम अस्पतालों की बात करें तो सुविधाएं पूरी हैं, अगर आने वाले समय में स्थितियां और भी ज्यादा खराब होती हैं तो क्या उसके लिए पहले से सजग और सतर्क है सरकार और प्रशासन? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें अस्पतालों की, तो अस्पतालों की तरफ से भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कोशिश करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी दिल्ली सरकार का कहना है कि अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर की कमी नहीं है, बेडों की कमी नहीं है, अगर अगर प्रॉपर इंतजाम किए जाएंगे, यानी कि अस्पतालों के अंदर अगर मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वेंटिलेटर का और बेडों का इंतजाम बिल्कुल किया जाएगा और उनके पास जगह भी है, मगर जिस तरीके से अब स्थिति बिगड़ रही है उससे साफ जाहिर है दिल्ली के अंदर अस्पतालों के अंदर भी स्थिति बिगड़ती नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर 3000 से लेकर 4000 के करीब आंकड़े आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको भी पार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो साफ जाहिर है दिल्ली के अंदर स्थिति बिगड़ सकती है और फिर केंद्र सरकार को राज्य सरकार को फिर दोबारा से केंद्र सरकार की मदद लेनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं बेडों का जो अभाव होगा। हम तो लेकिन यही उम्मीद करेंगे कि ज्यादा स्थितियां दिल्ली में खराब ना हो। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी देने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। इस मसले पर चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,
वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पुरब श्रद्धा भावना नाल मनाया। 70 लाख श्रद्धालु प्रकाश पुरब मनाउन ले सुल्तानपुर लोधी नतमस्तक हुए। करतारपुर लांगे दा उद्घाटन करके सिख संगता नु श्री दरबार साहिब करतारपुर दे खुले दर्शन दीदार करवाए। 4 वर्यां तो पंजाबियां दियां धार्मिक भावनावां दा ख्याल रख रही पंजाब सरकार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबरनामा खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। हम राजधानी दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। कोरोना की स्थिति वैसे तो पूरे देश भर में ही इस समय काफी भयावह होती जा रही है, लेकिन दिल्ली में भी अब केस लगातार बढ़ने लगे हैं। बड़ी बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट जिस तेजी से बढ़ रही है उसने इस समय सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लेते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। ये नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं और इमरजेंसी मूवमेंट की ही परमिशन होगी, लेकिन बाकी लोग तय वक्त के बीच में नहीं निकल सकेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बार बार कह चुके हैं कि लॉकडाउन कोई हल नहीं है। ऐसे में नाइट कर्फ्यू के जरिए मूवमेंट पर थोड़ी रोक लगाने की कोशिश है। सोमवार को दिल्ली में कोरोना वायरस का पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा हो गया था, जिसके बाद सरकार को तुरंत ऐसा कदम उठाना पड़ा। यही वजह है कि सरकार अब सख्ती दिखाती हुई नजर आ रही है। हालांकि लोगों को भी जागरूक होना होगा, सभी के सहयोग से ही इस बीमारी, इस महामारी से लड़ा जा सकता है। यहां पर अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का यह कहना है, तमाम प्रवक्ताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाए, इसलिए दिल्ली को एक बार फिर से कोरोना की एक और लहर से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना की यह 4थी लहर है, लेकिन अभी लॉकडाउन जैसा कोई फैसला सरकार की तरफ से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसका संकेत बार बार खुद सीएम दे चुके हैं। सीएम और यहां के स्वास्थ्य मंत्री का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो ये तक कहते हुए नजर आए हैं कि इस बार की जो ये लहर है पिछली लहरों के मुकाबले उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है। उनका ये कहना है कि इस लहर से इतना डरने की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर एक साथ इस महामारी से लड़ सकते हैं। और अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप पांडे जी हैं आम आदमी पार्टी से, इनके अलावा डॉक्टर ब्रिजेश नंदन जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं ANB न्यूज पर। सबसे पहले अनूप जी, आपके साथ शुरुआत कर लेते हैं। सर, दिल्ली में आपकी सरकार है और अब अहम फैसला लिया गया है कोरोना केसेस की बढ़ती संख्या को देखते हुए कि नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। अच्छा फैसला है, चलिए आप अच्छी बात सोच रहे हैं कि वहां पर स्थितियां ज्यादा खराब ना हो, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं प्रवक्ताओं से इस बारे में राय ली गई या उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई तो वो ये कहते हुए नजर आए कि समय रहते एक तो आप स्थिति भांप नहीं पाए, इसलिए दिल्ली में 4थी लहर आई है कोरोना की, और दूसरा अभी भी आपके पास व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है।
नमस्कार आपको जी सर, दर्शकों को भी। भारतीय जनता पार्टी का काम देश में है वो जनता की सेवा का भावना नहीं है जी। कोरोना काल में जिस तरीके से देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनियंत्रित तरीके से पूरे देश को परेशान किया गया, जैसे इन लोगों ने जबरदस्ती तुरंत फैसला लिया, लॉकडाउन कर दिया पूरे देश में और भयावह स्थिति देश की हो गई और कम से कम हजारों लोगों की जानें चली गई और लोग परेशान हो गए, कई कई किलोमीटर पैदल चले अपने गांव गए। तो इन लोगों का जो मैनेजमेंट है प्रधानमंत्री जी का पूरी तरीके से फेल रहा। वो तो दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले राज्य को माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी की काबिलियत और आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं उनके सहयोग से कंट्रोल किया गया और इसी परिस्थिति को देखते हुए आज भी सेवा की भावना के कारण दिल्ली कोरोना से मुक्त हुआ और आज जो स्थिति फिर पैदा हुई है उस पर सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा नजर रखे हुए हैं। सारे विभाग के मंत्रीगण अधिकारीगण चाहते हैं कि सुरक्षित दिल्ली रहे, इसके वजह से ऐसा किया गया है। आलोचना करने वाले तो आलोचना करते रहते हैं, काम करने वाले काम करते हैं। अभी हाल के दिनों में एक चुनी हुई सरकार को जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर कानून बना करके हाथ पैर बांधने की कोशिश की गई, इससे पूरी दिल्ली की जनता दुखी है और पूरी जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। और मुझे कहने में इस बात को खुशी हो रही है, पूरा देश इस बात को देख रहा है कि ये कैसा राज्य दिल्ली जो इतनी बढ़िया सरकार चल रही है उसको भी यह भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान करना चाहते हैं। ठीक है, अब ब्रजेश नंदन जी से बताइए। ब्रजेश नंदन जी, अगर नाइट कर्फ्यू यहाँ लगाया जा रहा है स्थितियों को देखते हुए तो समस्या कहाँ पर आ रही है? नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय रहते अगर हम चेत जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आपने सुनी पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उससे पहले हमें जागरूक हो जाना चाहिए। कोरोना की चौथी लहर आने से पहले ही अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और ये जो आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी, अगर ये पहले ये कदम उठा लेते तो आज ये नौबत नहीं आती, इतना कोरोना नहीं फैलता। अब समस्या ये है कि अगर दिल्ली में कोरोना फैल जाता है तो ये कंट्रोल नहीं कर पाते। पीछे आज पूरा देश जानता है कि जब अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री जी मैदान में दिल्ली के उतरे तब कोरोना काबू में हुआ था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे बस का नहीं है कोरोना संभालना, प्रधानमंत्री जी आप संभालिए, हमने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सक्षम है हर काम को करने के लिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं संभलेगा तो भारतीय जनता पार्टी संभालेगी दिल्ली में, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन जो कदम उठा रहे हैं वो ठीक है, अच्छी बात है कि उन्होंने नाइट कर्फ्यू लगाया है रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, और जो एसेंशियल सर्विस है उनके लिए छूट दी गई है, जिन्हें जरूरी चीजों के लिए बाहर जाना है उन्हें ई पास लेना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है। हम इसकी सराहना नहीं करते, निंदा नहीं करते, लेकिन यही काम अगर पहले कर दिया जाता तो आज ये 5% वाली नौबत नहीं आती, आज 3600 केस निकल कर नहीं आते, 15 मौतें नहीं होती। आपने तो अपने राज्य कितने संभालिए, गुजरात की स्थिति देख रहे हैं आप अगर इतने ही ज्ञानवान हैं तो अपने राज्य कितने संभाले आपने सर? देखिए गुजरात की स्थिति बहुत अच्छी है। अच्छा, गुजरात की स्थिति खराब नहीं है, दिल्ली से बेहतर है पल्लवी जी। और रही ज्ञान की बात, तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा ज्ञानवान कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी ने 2014 से लेकर 2019 तक एक फ्लाईओवर नहीं बनवाया, एक स्कूल नहीं बनवाया है। बात जनता को बहकाने की चाहे जितनी कर ले अरविंद केजरीवाल, और जो एमसीडी का पैसा है 13,000 करोड़ रुपए वो मारे हुए बैठे हैं, तो इसमें ज्ञान की बात नहीं है पल्लवी जी।
मेरा बात बस इतनी सी थी सर, मेरी बात बस इतनी सी थी कि अगर इतना ही आप लोगों को सजगता है, आप इतना सतर्कता रख रहे हैं, रैलियां इतनी भतेरी की जा रही हैं और आप टेलीविजन स्क्रीन के सामने आकर कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए, बेवजह घरों से बाहर मत निकलिए, स्थितियों को संभाल कर रखिए, तो जब रैलियों में जाते हैं तब ये उम्मीद क्यों करते हैं कि वहां पर भर भर के लोग आपके सामने आए और आपको वहां समर्थन देने के लिए सब हाथ ऊंचा कर खड़ा रहे? तब आपको याद नहीं आता कि कोरोना चल रहा है? उस राज्य की जिम्मेदारी है जिस राज्य में रैलियां हो रही हैं, वो राज्य चाहे तो, यानी कि अगर दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है, पश्चिम बंगाल में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो वहां पर ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है, भले ही वो केस बढ़ाने में आपका वहां पर हाथ हो। अगर असम में है, असम में रैली चल रही है तो वहां पर किसकी जिम्मेदारी है? वहां भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होगी। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी सब जगह है, लेकिन उस राज्य की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है जहाँ रैलियां हो रही है। किसने मना किया चालान काटने के लिए? चालान काटे ममता दीदी, किसने रोका है? असम में चालान कौन काटेगा सर? असम में चालान अगर कोरोना होगा तो भागी सरकार काटेगी। हाँ, वहां पर कह रहे थे ना, आपके ही हेमंत जी कह तो रहे थे कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, मास्क मत लगाइए, डराइए मत मास्क लगाकर। उन्होंने ये बयान दिया है ना, जब हमें लगेगा कि कोरोना बढ़ रहा है तो हम खुद बता देंगे कि मास्क लगा लीजिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उन्हें पता होता है कि कोरोना कब बढ़ना है और कब घटना है और कब मास्क लगाना है, कब सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। डॉक्टर नंदन, देखिए पल्लवी जी, ये किसी को नहीं पता कोरोना किसके घर में घुसेगा, किसको अपना भाजक बनाएगा। ये हेमंत विश्व शर्मा ना, कोई भी सही, हेमंत विश्व शर्मा ने अगर ऐसा कहा है तो ये निंदनीय है, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है डॉक्टर नंदन, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। अनूप जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए, छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपये की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545445 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र सरकारी हस्पतालां विच मुफ्त कोरोना वैक्सीन, कोरोना बीमारी तो हर पंजाबी नू बचाउण लई वचनबद्ध पंजाब सरकार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर नामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना को लेकर हम बात कर रहे हैं। दिल्ली सरकार अब सतर्क होती हुई यहां पर दिखाई दे रही है, नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। बस इस नाइट कर्फ्यू के बाद से ही बहस छिड़ी हुई है। बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि समय रहते आम आदमी पार्टी ने स्थितियां नहीं संभाली, इसलिए देश में जहां इस समय दूसरी लहर चल रही है वहीं दिल्ली में कोरोना की ये चौथी लहर है। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप जी, अब आपका रुख कर लेते हैं। सर, देश की राजधानी दिल्ली में ये कोरोना की चौथी लहर है जबकि पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर है, क्या कर रही है आम आदमी पार्टी? समझना बड़ा जरूरी है कि क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं इस उम्मीद में कि चलो एक और लहर आएगी तब वापस से चेत जाएंगे हम? आम आदमी पार्टी जनता के लिए बेहतर इंतजाम करती है, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देती है। आम आदमी पार्टी एक दूसरे को नहीं लड़ाती है, एक दूसरे को नहीं बांटती है,
आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहती है। अभी आपने देखा होगा 9 करोड़ का घोटाला कोरोना किट और उसमें उत्तर प्रदेश में अभी हुआ है। अभी आपको याद होगा कि कोरोना का आगमन श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ, जब ट्रंप का कार्यक्रम इन्होंने किया, लाखों लोग बाहर से आए, पूरे देश में कोरोना फैलाया गया। और यही नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाने के लिए इस पर रोक लगी थी, और जब बन गया तो इसके बाद उन्होंने तुरंत लॉकडाउन किया। लॉकडाउन एक बाइक करने से देश का भारी नुकसान हुआ, बेरोजगारी फैल गई। तो हम लोगों का मानना है कि लॉकडाउन या कोई भी इस तरह की व्यवस्था प्रार्थना किया है कि 45 वर्ष के नीचे के लोगों को भी कोरोना की वो दवाई उपलब्ध कराई जाए। पत्र लिखे हैं कि लोग तो दवाई भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो बहुत ही गंभीरता के साथ आम आदमी पार्टी ने कोरोना से लड़ाई लड़ा है, जिससे जीत मिली है और हमें आशा है कि आगे भी सफलता मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आज बंगाल में पूरे देश भर के लोगों को इकट्ठा करके वहां बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं, असम में की जा रही है, तो जहां इन लोगों की रैली रहती है वहां कोरोना नहीं रहता है, और जहां रैली खत्म हो जाती है वहां कोरोना आ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो आरोप है वो बेबुनियाद, और हम तो कहेंगे कि उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये बात आपने सही कही कि लॉकडाउन कोई हल नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन लगने से लोगों का रोजगार छिन जाता है, आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है। लेकिन एक सवाल है सर, आप बार बार कह रहे हैं कि आपको थोड़ा दूरी यहाँ पर मेंटेन करनी होगी, जो डॉक्टर्स का भी मानना है कि अभी आप जितना सोशल अपना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना ठीक रहेगा। दिल्ली के बाजारों में इतनी ज्यादा भीड़, रोजाना तस्वीरें एएनबी न्यूज अपने दर्शकों को दिखाता है, आप नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं। सर, नाइट में तो यूजली लोग वैसे ही कम बाहर निकलते हैं, फिर भी आपका ये कहना है कि ठीक है मूवमेंट कम हो इसलिए हमने नाइट कर्फ्यू लगा दिया, अच्छी बात है आपने लगाया, लेकिन दिन के हालात कौन सुधारेगा? दिन में जो स्थितियां हम रोजाना देख रहे हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या वो जिम्मेदारी केंद्र लेंगे, क्या वो जिम्मेदारी एलजी की है, या उसके लिए आपको एलजी की परमिशन लेनी पड़ेगी कि दिन में जो यहाँ पर रायता फैला हुआ है उसे कौन समेटे? देखिए, जब देश में आपात स्थिति आती है, महामारी आती है या वैश्विक बीमारी जो चल रही है, इसमें किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना एक छोटी राजनीति होती है और ये तुच्छ किस्म की राजनीति है। आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि जितना बेहतर व्यवस्था हो सकेगा उतना किया जाएगा, और कोरोना से युद्ध लड़ा जा रहा है और आगे भी लड़ा जाएगा, लेकिन इसमें जनता का भी ध्यान रखा जाएगा कि रोटी रोजगार की व्यवस्था चलती रहे, लोगों का जीवन यापन चलता रहे। तो इस पर विशेष थोड़ा सा रात के कर्फ्यू से थोड़ा बहुत राहत मिलेगी, और मैं आशा करता हूं कि इस भयावह बीमारी से पूरा देश निपटेगा, दिल्ली ही नहीं पूरा देश से निजात पाएगा और देश इस बीमारी से मुक्ति पाएगा, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना। और सवाल पूछे जाने को आप तुच्छ राजनीति कहते हैं कि अगर सरकार से सवाल पूछ लिया तो ये तो तुच्छ राजनीति हो गई? सर, हमसे कैसे सवाल पूछ लिया? इस पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही, सिर्फ नीचा दिखाने के लिए किसी को, सिर्फ अभी आपने भी उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया ना सर, क्योंकि अभी आपने भी उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया सर, दूध का धुला कौन है, क्यों लाए उत्तर प्रदेश को फिर बीच में? नहीं, उत्तर प्रदेश में घोटाला हो रहा है कोरोना के नाम पर। उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ का घोटाला अभी अखबार में था। ये तो कोरोना में इन लोगों का अवसर हो गया है, इतना पैसा इकट्ठा किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कितना राहत मिला लोगों को, आज भी लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ जो बॉम्बे दिल्ली सूरत मद्रास से जो पैदल हजारों किलोमीटर पैदल चल के गए, सरकार ने उनके लिए क्या किया, आज भी बेरोजगारी के मार झेल रहे हैं, ऊपर से लोगों की जेबें काटी जा रही, महंगाई की हालत देख लीजिए, एक तो कमाई कम हो रही है, ऊपर की महंगाई, अगर यही महंगाई दूसरे के राज में होती तो देखते ही लोग कैसा हल्ला मचाते, आज चुप है, महंगाई पर कोई बोलता नहीं। इस वैश्विक बीमारी में महंगाई इतनी तेजी से ये लोग बढ़ाए हैं, क्या इन्होंने जनता को सहयोग किया? 100 रुपया डीजल कहाँ पहुंचा दिया, कहाँ तेल सरसों का कितना पहुंचा दिया, ये जेब काटने वाली सरकार है, डबल किराया बढ़ा दिया ट्रेन का, हर जगह तो महंगाई बढ़ रही। अभी लोग छोटे छोटे बचत बैंकों में रख रहे थे उसका वो घटा दिया ब्याज,
अभी शर्म आई तो वापस लिया। तो इन लोगों का काम जनता की भलाई करना नहीं है, इन लोगों का काम भ्रष्टाचार करना है और धन इकट्ठा करना है और देश पर कब्जा करना और लोगों को परेशान करना। पूरे कार्यकाल को देख लीजिए, भाजपा से पूरे देश के लोग परेशान, और ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं बंगाल में। एक बना हुआ है ऐसा कि पूरे देश के लोग वहां जा रहे हैं, वहां तो कोरोना नहीं फैला, उस पर तो कोई नहीं बोल रहा। तो मेरे कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी घिनौनी राजनीति करना बंद करे। प्रिय सर आपको जी बताइए, डॉक्टर नंदन वो कह रहे हैं कि तुच्छ राजनीति करना बंद करें आप लोग। देखिए अभी अनूप पांडे ने कहा था कि आरोप प्रत्यारोप की तुच्छ राजनीति हम नहीं करते। तो अभी चंद सेकंड पहले इन्होंने कहा था प्रधानमंत्री मोदी के लिए इन्होंने बहुत आरोप लगाए थे कि कोरोना लेकर आए वो, ट्रंप का प्रोग्राम रखा, कोरोना फैला उससे। तो थोड़ा सा अनूप दादा पढ़ लिया करो किताबों को, है ना, कोरोना उससे पहले फैल चुका था। और जो आपकी पार्टी ने ट्रंप के आड़ में जो दंगे दिल्ली में फैलाए थे वो क्या था, उसे किसकी संज्ञा देंगे आप? हैं, आपका एक विधायक सरेआम लोगों को धमकाता है, मसूरी में मंदिर के बाबा को धमकाता है, वो क्या है? आम आदमी पार्टी केवल राजनीति करती है, शुद्ध वाली राजनीति, विकास केंद्रित राजनीति नहीं है। दिल्ली में लोगों को गंदा पानी पिलाया जा रहा है, लोगों को अपाहिज बनाया जा रहा है फ्री के नाम पर। अरे ये जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा, जिसे अरविंद केजरीवाल लुटा रहे हैं। लेकिन जनता की आंखें खुलेंगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। अभी क्यों नहीं खुल पाया कोरोना की? तो कोरोना तो वैश्विक बीमारी है, कंट्रोल हो रही है धीरे धीरे, वैक्सीनेशन हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन होना चाहिए। वो कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा है, डॉक्टर ब्रिजेश नंदन पत्र लिखा है अरविंद केजरीवाल ने कि जो अभी आपने उम्र सीमा तय की हुई है उस उम्र सीमा को हटाइए और न्यूनतम जो आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए वैक्सीनेशन के लिए, ताकि हम इस संक्रमण की चेन को ब्रेक कर सके। क्या उनके इस मांग पर ध्यान दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल दिया जाएगा, हर राज्य की मांग पर ध्यान दिया जाएगा पल्लवी जी, लेकिन समय लगता है हर चीज के लिए, एक साथ कोई कार्य नहीं होता है, सबके लिए धीरे धीरे समय लगता है। अब अरविंद केजरीवाल जी लगे हुए हैं यूपी में, लगे हुए हैं उत्तराखंड में, लगे हुए हैं पंजाब में, इन्हें कोरोना की सुधिका है? ये तो अपनी पार्टी का विस्तार करने पे लगे हुए हैं, चुनाव में एजेंडे तैयार करने के लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम कौन सा एजेंडा खड़ा करें। तो कोरोना तो इस वजह से फैला है। आप दिल्ली के बाजार में देखिए, आप नोएडा से जाते होंगे दिल्ली के लिए या कहीं भी, देखिए कितने भीड़ रहती है, ना कोई मास्क है ना कोई दो गज की दूरी है। लेकिन ये सारी चीजें हमें स्वयं नागरिक को फॉलो करनी पड़ेंगी। नागरिक जो हमारे देश के नागरिक हैं, उन्हें सबसे समझदार बनना होगा, उन्हें सोचना होगा कि कोरोना ऐसे नहीं जाएगा जब तक हम इसके प्रकोशन नहीं लेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, सैनिटाइज नहीं करेंगे हाथों को, दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, दो गज की दूरी रखेंगे, कम से कम बाहर निकलेंगे, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं, नहीं तो नहीं, बहुत मुश्किल होगा। ठीक है अनूप जी, अभी पंजाब की बात इन्होंने की, मुझे भी ये बात अब याद आ गई है। सर अभी आप थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल और असम का मुद्दा लेकर बैठे हुए थे कि वहां पर रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी तो आए थे अभी पंजाब में, वहां उन्होंने रैली की, जनसभा की, क्या वहां पर लोग नहीं थे क्या? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनसभा हो रही थी क्या? या तब अरविंद केजरीवाल ने ये सोच लिया कि ये दिल्ली वासी नहीं है, ये बच जाए बस कोरोना से? ऐसा है कि कल उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने, जब महिलाएं उनके घर पे गई थी अपना हक मांगने के लिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लिए सरकार ने कहा था कि जो गरीब लोग हैं अगर अगल बगल में कोई इंग्लिश स्कूल है वहां पढ़ा सकते हैं और सरकार उसको 5,000 रुपया साल में देगी, 3 वर्ष से उन लोगों को 1 रुपया नहीं मिला। और ये मांग करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जब कुछ महिलाएं गई थी तो वहां पे पुलिस के बल पर महिलाओं को लाठी डंडे से पीट के और थाने में बंद करा दिया गया। तो शिक्षा के नाम पे तो इन लोगों के केस में ये व्यवस्था है और हम लोग मांग करते हैं कि इसको करिए तो कर रहे, पार्टी बढ़ा रहे हैं। अरे भैया पूरे देश के लोगों को शिक्षा देने का संकल्प आम आदमी पार्टी ने लिया है, पूरे देश में लोगों को बिजली मुक्त करने का वादा किया है और करके दिखाएगी, पूरे देश के लोगों को दवाई आज तक
आप बोल रहे हैं ना, जाइए हॉस्पिटलों में, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, जहाँ जहाँ आपकी सरकार है या अन्य दलों की भी सरकार है, लोग दवा के अभाव में मर जा रहे हैं। क्या लोगों को दवाई बहुत हालत खराब होगी? मैं मान लेती हूँ पूरे देश की स्थिति बहुत खराब है और आम आदमी पार्टी ही वही स्थिति सुधार सकती है। कोरोना पर आइए सर, कोरोना पर आइए, मैं यहाँ बात कोरोना को लेकर कर रही हूँ कि गाइडलाइन फॉलो कीजिए। चीख चीख कर तमाम जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ये बात कहते रहते हैं और ये आम आदमी से उम्मीद की जाती है कि वो आपकी एक एक शब्द जो मुंह से निकला है उसका पालन करे। आप कितना पालन कर पा रहे हैं, मुझे इसका जवाब दीजिए। क्या करने गए थे अरविंद केजरीवाल पंजाब में, क्यों जनसभा की, वहां पर भीड़ नहीं हुई सर? या फिर पंजाब के लोगों को कोरोना हो जाए तो अरविंद केजरीवाल को दिक्कत नहीं है? यहाँ जो क्लिनिक बने हैं, आप जाइए देखिए दिल्ली में, आप अभी भी आप घुमा फिरा के सर मुझसे बात कर रहे हैं, कोरोना पर आ जाइए ना सर। कोरोना का दवा मिल रही है, मुझ जाइए लगाइए, अन्य 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 राज्यों में जाके देख लीजिए, वहाँ आपको वीआईपी लोगों को मिलेगा, सामान्य लोगों को मिलेगा ही नहीं अभी। पता नहीं आप कौन से क्लिनिक की बात कर रहे हैं सर, मैं तो जहां तस्वीरें देख रही हूं वहां हर किसी को अभी कोरोना की वैक्सीनेशन दी जा रही है, जिसका नंबर आ रहा है उनको दी जा रही है। सर मेरे खुद के पेरेंट्स ने लगवाई है, अब आप क्या बात कर रहे हैं? आप कहां से, कौन से क्लिनिक के बारे में आप बात कर रहे हैं पता नहीं, या और मैं जो सवाल कर रही हूँ उस पर आप नहीं आ रहे हैं? बात यही है ना सर, खुद के दामन पर दाग हो तो आप दूसरे के दामन पर क्यों कीचड़ उछाल रहे हैं? सवेरे 10 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक बीच में कभी भी आइए, आधार कार्ड लाइए, किसी भी राज्य के हो और लगवा के जाइए। चलिए ठीक है सर, बिल्कुल हम तो यही उम्मीद करेंगे कि वाकई में देश की इतनी स्थिति खराब है और आम आदमी पार्टी उम्मीद की किरण बनती हुई नजर आ रही है, तो आने वाला वक्त बताएगा देश की जनता कितना आपको एक्सेप्ट कर पाएगी, कितना आपको प्यार दे पाएगी, कितना आपको समर्थन दे पाएगी। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि दिल्ली में भी अब कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है और अब कोशिश यही है कि मूवमेंट को कम किया जा सके। देखने वाली बात यह रहेगी कि नाइट कर्फ्यू का जो यह ऐलान किया गया है वो क्या जो पॉजिटिविटी रेट इतनी ज्यादा तेज गति से बढ़ रही है उसे रोकने में सफल हो पाएगा या नहीं। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।